इसमें बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। मैं इसको समझ रही थी बेला, पर ये चांदनी का फूल है, मक्खी बैठ रही है। और बहुत सारे उधर पीछे बहुत सारे खिले, उधर मैं दिखा नहीं रही हूँ, पर ये आगे से दिखे, सब खिला हुआ है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। तो अभी जो है शाम के टाइम से व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बाहर निकल रहे हैं कि सैयदा जैसा कि आ रहा है एंड नौगा, सैयदा को जो है मतलब कुछ भी ऐसा ड्रेस पहन कर जाना है उससे रिलेटेड। तो अभी जाके यहाँ पे, अब सिटी तो जा नहीं सकते, शाम हो चुकी है और एकदम से मैसेज स्कूल का आया हुआ है, तभी जाके देखते हैं कि सैयदा का क्या मिल सकता है, कुछ ऐसा झांसी की रानी का या कुछ अगर पुलिस वाला या भारत माता का कुछ ऐसा अगर मिल जाएगा यहाँ पर तो ठीक है, नहीं तो मैं सोची कि सैयदा का वाइट और ऑरेंज और ग्रीन ऐसा कुछ करके चूड़ूगा। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते। तो ये हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर के आगे, जो बस ऐसे छोटी छोटी से भी शॉप है वहीं जाके देखेंगे। और फ्लैग है और बैच है और कैप है, ये सब भी देखना है। तो पूरा जो है सैयदा का भी देखते हैं कि कितना सामान यहाँ पे मिल पाएगा और कल मतलब जो है उसमें सिलेक्शन है, कल लेकर जाना है, फिर उसमें सिलेक्शन होगा। तो मतलब जिसका अच्छा होगा, जैसा होगा, जिस जो बच्चे मतलब अच्छी स्पीच देंगे, अच्छा जो है सब रहेंगे जो बच्चे, उनको जो है स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि सैयदा का कैसे क्या मिलता है, क्या होता है। और अभी यहाँ पे रुके हैं क्योंकि जो है सैयदा के स्कूल में मतलब डायरी पे जो है सैयदा की पिक्चर और मेरी इनकी लगनी है। तो बस अभी हो गए हैं यहाँ पे पिक्चर निकलवाने के लिए, यहाँ पे एक शॉप दिख गए हैं, तो कल जो है वो भी जाना है, तो लगे हाथ ये भी काम हो जाए क्योंकि स्कूल के बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे 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 बहुत काम होते हैं। तो ऐसे सब लोग ने बोला, उसके बाद कुछ लोग ने कहा जो लोग डांस करना है वो लोग नानी बना ले, अब लोग जिन लोगों को डांस करना था वो लोग नानी बना के, ऐसे ज्यादा थी जो मेरे क्लास में उसमें तो देश रंगीले पे डांस करा था। अच्छा, वो तो प्रैक्टिस हुई होगी ना। ठीक है, आप जिस हिसाब से ड्रेस पहनेंगे आपका उस हिसाब से होगा ना। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बेटा तो फिर आप ऐसा करिएगा, वाइट सूट पहन लीजिएगा, है ना, और उस पर जो है फ्लैग के कलर का जो है वो दुपट्टा हो जाएगा, चूड़ियाँ हो जाएंगी, बहुत अच्छा ड्रेस हो जाएगा, ठीक है आपका। और ये हो गया है जो सैयदा की पिक्चर्स लेनी थी, हम लोगों के भी है नीचे जो कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, और ये सैयदा की है। तो फाइनली ये वाला काम तो हो गया है आसानी से, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि सैयदा का काम और हो पाता है कि नहीं, इसको रखते हैं यहाँ। और इधर जो है सब्जियों की पूरी बाजार लगी हुई है, इधर भी, उधर मैं जाती हूँ दूसरे साइड में, इधर भी लगी, दोनों घर के दोनों साइड में लगती है। और इधर शॉप जो है देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं कुछ जो है 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ ड्रेस मिल जाए, कुछ ऐसा। हाँ बेटा, वहाँ पे एक चलते चलते शॉप दिख गई है, तो उसमें चल के मुझे बाहर से ही दिख गया था कि कुछ जो है कपड़े टंगे हुए हैं, तो चल के अभी देख लेते हैं यहाँ पे शायद कुछ मिल जाए। मैंने बाहर से देखा तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मिल जाएगा, पर ये बड़े साइज का है, हम लोगों के साइज का है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ यूनिफॉर्म मिल जाए। ये जैसे दिख रहा है, पर इसका जो है साइज बहुत छोटा है, ये मुस्तफ़ा कैसा इसका है, और ये बहुत सारे इसके कुर्ते हैं, पर जितने भी साइज हैं सब इसका जो है 18 है 20 है, जो बहुत छोटा है मुस्तफ़ा के साइज़ का है पूरा। तो अभी दूसरा ड्रेस निकलवा रहे हैं, अभी देखते हैं कि दूसरा मिल जाए। तो गाड़ी में वापस, और अभी जाते जहाँ पे भैया ने आगे बताया है कि शायद आगे आपको मिल जाए, तो वहाँ पे भी देखते हैं, अल्लाह करे वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि ऐसा है स्कूल का, तो भी देखते हैं अगर इजीली मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे बात करना पड़ेगा। कुछ मैं घर में ऐसा जुगाड़ करूँगी, कुछ वाइट और ऑरेंज और ग्रीन में अगर कुछ मैच हो जाए सही अदा का, सब अलग अलग में देखते हैं अभी। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, अब भी जाओ।
ये भी ले लेंगे इनका। हाँ यहाँ पे फ्लैग है, ले लीजिए। ये क्या करेंगे, बस फ्लैग और कैप। पापा मैं भी आपके साथ। नहीं उतरना नहीं। तो यहाँ पे भी आ गए जो कि फ्लैग चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए, तो फ्लैग है और बैच और कैप ये सब अभी ले लेते। और जैसा कि रक्षाबंधन भी आने वाला है तो बहुत सारी राखियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं, और हर तरफ जो है बस यही सब पूरा जो है जगह जगह शॉप पे जो है फ्लैग है, बैच है, कैप है या राखियाँ है, ये सब दिख रहे हैं। तो अभी ये वाला काम तो आसान हो गया, यहाँ से मिल जाएगा। अभी कपड़े का नहीं हो पा रहा है क्योंकि जितनी दुकानें हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। अभी यहाँ पे आगे थोड़ी शॉप पर अभी पीछे से पूरा होकर आ चुके हैं, नहीं मिल पाया है, जैसे फ्लैग वगैरह ले लिया है। और बादल भी बहुत काले काले आ चुके हैं, हालांकि अभी जो है 6 भी नहीं बजे, मगर जो है मौसम बन चुका है बारिश वाला। तो अभी सामने एक जो है पीछे ही एक शॉप दिखाई दी है, तो यहाँ पे भी गया पूछने के लिए। तो फाइनली सैयदा का काम हो चुका है, और जो मतलब पुलिस वाला ड्रेस चाहिए था या सरोजनी नायडू का या मदर, तो वो ये तो यहाँ खैर नहीं मिलेगा, तो मुझे पहले भी पता था, पर मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए। तो फाइनली हो गया है। अब इसका पूरा लुक जो है सैयदा का वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि सैयदा ने क्या पहना है, क्या जुगाड़ लगाया गया है, कैसे क्या किया गया है। तो इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है सामने से। तो बस अब निकल चुके हैं घर के लिए। मुस्तफा किधर? तो चलिए सारे काम खत्म हो चुके हैं, जो था हो चुका है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी लौकी। आज सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं लौकी कोफ्ता बनाऊँगी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। तो बस यहाँ पे लौकी जो है मैंने घिस के एक जाली में रख लिया था, थोड़ा सा नमक मिला दिया था इसमें क्योंकि पानी बहुत छोड़ता है। और इसको हाथ से आप दबा दबा के इसका पूरा पानी आप निकाल देंगे, या आप किसी कपड़े में भी दबा के निकाल सकते हैं, पर मैं इसलिए हाथ, और सारा इसका पानी जो है निकाल देना है इस तरह से निचोड़ निचोड़ के। और फिर फाइनली पानी निकल चुका है, अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने डाला है खड़ा ज़ीरा, कच्चा खड़ा ज़ीरा, और थोड़ा सा इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था गरम मसाला पाउडर, और फिर इसमें जाएगा बेसन। आप हरा धनिया भी कट करके डाल सकते हैं, इस टाइम मेरे पास नहीं था। और फिर मैंने इसे प्याज और हरी मिर्च कट करके डाल दिया। इसको हाथ से पूरा मिक्स करेंगे, और आप देख लें बेसन की क्वांटिटी। और बेसन जो इसको बाइंड करने के काम आएगा, तो आप ऐसे बनाए बॉल बना के देखिए, अगर इजीली बन जाएगी तो ठीक है, नहीं अगर नहीं बनेगी तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन जैसे एक चम्मच फिर आप मिला दें, और बस मेरा हो गया था। और फिर इसके बाद देखिए कितना मज़ेदार से यहाँ पे मैंने कोफ्ता जो है फ्राई करना शुरू कर दिया, कितना ही प्यारा इसका कलर आया, और काफ़ी मतलब मैंने साइज़ भी बहुत अच्छे बड़े बड़े से मैं बना रही हूँ। तो ठीक है, कोफ्ते यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं लौकी के। उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है हम चॉप कर रहे हैं, और प्याज को हमने चॉप कर लेना है। उधर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे प्याज, प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। उसके बाद जब तक मैंने 2 जो है टमाटर यहाँ पे ले लिए, उसको भी हम जो है चॉप कर लेंगे, या आप पीस के भी डाल सकते हैं या आप हाथ से भी कट कर लें, पर यहाँ पर मैं इसमें चॉप करी क्योंकि फिर आसानी से जल्दी से गल जाता है, कुक हो जाता है इसमें बिल्कुल बढ़िया से, एकदम महीन महीन चॉप्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं टमाटर भी जो है चॉप्ड कर रही हूँ, प्याज भी चॉप कर रही हूँ, और बस आज पता नहीं ऐसा क्या था, ध्यान नहीं था मुझे, और हरा धनिया जो है ख़त्म हो गया था। जो खाने का जो खूबसूरती है वो जो है जब तक धनिया ऊपर से ना डाले फिर मज़ा नहीं आता है, तो खैर अधूरा अधूरा सा थोड़ा लगता है। तो यहाँ पर जो है टमाटर भी जो है चॉप्ड हो गया, मैं इसको चला रही थी, बीच में भी चल नहीं रहा था, फंस रहा था इसका ब्लेड। खैर फाइनली हो गया, प्याज यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी, फिर इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच पिसा धनिया। ये सब डाल के अच्छे से जो है मसाले को भून लेना है, ये मसाला जो है बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको भून रही हूँ क्योंकि हल्दी और जो धनिया की कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो टमाटर हमने चॉप करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर देना है, और इसके बाद टमाटर ऐड करने के बाद इसको जो है भूनना है हमको, जब तक ये टमाटर गल ना जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे और बढ़िया से इसका कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से जो है मसाला जो है भून रहा है, इसको कर देते हैं कवर।
और यहाँ पे मसाला पूरा, इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया सा भुन चुका है, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। और एक तरफ मैंने राइस भी रख दिया था। अच्छा, बाहर का काम करके फिर हमें खाना तैयार, हम लेडीज़ को घर पे ही बनाना, क्योंकि हमारा ये भी पसंद रहता है कि हमें ये सब काम ख़त्म करने, बाहर का भी अगर कुछ काम है, बच्चों का ऐसा करना, उसके बाद आके डिनर या लंच जो भी है हमने अपने ही हाथ से तैयार करना है। खैर, उसके बाद जो कोफ्ते फ्राई करके मैंने बॉल्स रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया। एक कप पानी डाल दिया था, थोड़ा सा ऊपर से बटर डाल दिया क्योंकि इसका जो है स्वाद और बढ़ाने के लिए। यकीन मानें गाइस, बहुत सिंपल रेसिपी, सोचने में टफ लगता है, और लौकी का कोफ्ता बड़ा काम होगा, पर 20 से 25 मिनट में आपका काम हो जाता, बनके तैयार हो जाता। बहुत ही मज़ेदार खाना है, बहुत ही अच्छी सी डिश है, कभी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने सोचा था कि आज मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने जो है आटा और मैदे को मिक्स करके ले लिया था, थोड़ा सा इसमें नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, इसका टाइट डो तैयार करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे बस झटपट खाने का टाइम हो रहा था और बस मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी। छोटे छोटे से मैं जो है पराठे बिल्कुल छोटे छोटे से बना रही थी। तो यहाँ पे जो इसको बड़ी सी रोटी हमने बेल लेना है, और बड़ी सी इसकी रोटी एक बेलना है, फिर इस पर ऑयल लगाना है, और फिर आप पिज़्ज़ा कटर हो या नाइफ से पतले पतले से हमें इसको कट लगा देना है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से जो है वीडियोस देखी होगी जैसा, और बीच में भी मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था तो मैं उनसे बात करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए, बढ़िया से एक बड़ी सी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसमें आप घी भी लगा सकते हैं, या आप जो भी रिफाइंड है या देसी घी, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने घी इसमें लगाया हुआ है, और इसको अच्छे से पूरे में फैला देंगे। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया था, और इससे मैं पूरा इसको पतले पतले से इसको कट, मैं दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि पूरा हाथ मेरा दोनों गंदे थे और ट्राईपॉड में लग नहीं पा रहा था। पराठे बना रहे हैं, लच्छा पराठा, इसकी पूरी रेसिपी आप हमारे चैनल पे देखिएगा अप्पी। ओके, सही समीना, सही में तुम्हारे कोफ्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। सैयदा मुस्तफा क्या कर रहा है? टीवी, कार्टून। तुम आज गई भी तो थी कहीं तुम? अरे मैं सैयदा के स्कूल का चाहिए था ना कल परसों के लिए ड्रेस। अच्छा, मिला? व्हाइट सूट है, तिरंगे वाला। अच्छा, ये कितनी कैसे हंसी की आवाज आ रही मुस्तफा की? कुछ तो खास बात होगी। और बताओ, और सब ठीक है? मौसम कैसा हो रहा है अभी? गर्मी हो गई है वापस, गर्मी हो गई। कब? और बस यहाँ पे जब मेरी बहन से बात हो रही थी तो वो मैंने क्लिप लगाया, वीडियो कॉलिंग पे उससे बात हो रही थी, तो फिर मैंने उसको कट नहीं किया। मैंने उसको लगा दिया जो हम लोगों की बातें हो रही थी। और इसके बाद जो यहाँ पे मैं पराठे बच्चों के लिए भी, दो पराठे तीन पराठे मैं तैयार कर रही थी कि पहले बच्चों खिला दो। ऊपर से मैंने देखे इस पर जो है वो लगा दिया है कलौंजी, मंगरेल जो भी आप बोलते हैं, और अगर आपके पास हरा धनिया है या और भी अगर आप कुछ लगाना चाह रहे हो तो ऊपर से लगा दें, वो अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं जो है अजवाइन लगा रही हूँ इसमें, सॉरी कलौंजी लगा रही हूँ, मंगरेल। और इसके बाद छोटे छोटे से मैंने पराठे तैयार कर लिए। एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया, उसमें ज़्यादा से मैंने ऑयल डाला, इसको बहुत कम ऑयल में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा है, थोड़े छोटे छोटे से, तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, अंदर तक कच्चे नहीं रहेंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो थोड़ा ज़्यादा तेल में फ्राई, मतलब ये पराठा चाहिए था। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत क्रिस्पी। Thank you.